आइए आइए, यही पीछे गली में मेरा घर है, मेरे पीछे आओ। चाचा जी आओ। अच्छा किधर? अरे सेठ ये टिफिन, जल्दी आओ जल्दी आओ, आओ आओ चलो 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 चल, आराम से आना, आराम से। हाँ फसा दिया, ऐसे घुमा। अरे यार आराम आराम से, आराम से। दरवाजे की तरह ले गया। अरे इसको छोड़ यार, यहाँ पे दरवाजा बना दे, चाचा को दरवाजा बना दे। अरे माल पानी का मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ए भाई तू नहीं होता तो मैं इस चाचा का क्या करता, तेरी वजह से मैं जेल जाने से बच गया। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। अरे हटो यार, से टिफिन। अरे रुको यार, पैसा 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 पैसा। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, जूते उतार। साला पनौती, जब से मेरी गाड़ी में बैठा तब से मेरी जान आपत पड़ी हुई है। चाचा आप पे नहीं चिल्ला रहा हूँ, डरो मत, उधर रख मुझे उतार। मुझे मालूम है अंधेरीपुर अपनी जिंदगी में बहुत टेंशन है। अरे रुको यार, दबा पूरा बॉडी कर रहे हैं। इधर दबा इधर। अरे डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब, सब डॉक्टर, ये डॉक्टर है कि एजेंट? क्यों, मरीज इधर है, वो घर चेक कर रहा है। कुर्सी दे डॉक्टर साहब, कुर्सी दे डॉक्टर साहब। डॉक्टर है, सर पे बैठोगे क्या डॉक्टर साहब? किसका बैग है? अरे आप ही क्या डॉक्टर साहब? अरे ये डॉक्टर है कि क्या? चाचा निकल लिए। अरे चाचा मात्रे मर गया, मेरी गाड़ी के सामने मर गए। शट अप, मैं टॉर्च भूल गया था। टॉर्च लाओ, टॉर्च लाओ। टॉर्च छोटी है क्या? ये टॉर्च नहीं, ये तो टॉर्चर है। अच्छा, आंखें देख रहा है कि ये डॉक्टर ही है ना? डॉक्टर ही है। सिर साला डाउट क्यों हो रहा है? जखम देखता है या चूहा बिल्ली ढूंढता है? स्टूपिड। चाचा थैंक गॉड आपको होश आ गया, अंकल अंकल जी को होश आ गया। डॉक्टर बर्बाद। अरे बेवकूफ इडियट गधेरा, कौन तेरे को डॉक्टर बनाया? खुद ही बनाया। थोड़े पे ऐसा टॉर्च मारेगा तो मुर्दा भी उठ के बैठ जाएगा। ओ बात ऐसी है ना कि फेस पे लाइट मारना भी थ्योरी है। अच्छा, जो कि बेहोश आदमी को होश में लाने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। खाली टॉर्च ही काम चलाते रहोगे। ये गोलियां हैं, एक खुराक चाय बिस्किट के साथ में दे देना। जी जी जी। और दूसरी बात, वेट, नो मेडिसिन प्लीज, ओनली चाय बिस्किट। जैसे चाचा पट्टी को ओके। अच्छा, वैसे भी स्ट्रांग है, नो प्रॉब्लम। मैं जेल से बच गया, मैं चलता हूं, मैं छोड़ के आता हूं। अरे ये टॉर्च भूले जा रहे थे डॉक्टर साहब, आइए अब चलिए। चल भाई, किसी कोई गाल नहीं जी, जब आप लोग एक बूढ़े की मदद कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता? कोई गल नहीं, मैं चलता हूं। कहीं कुछ गड़बड़ है, नीले तू अंकल के पास बैठ, पी ले तू मेरे साथ। हेलो डॉक्टर। हेलो जी, की हाल है भाई? अट्टी में खा ले, बस आपसे पूछना एक सवाल है। पूछूं? हाँ पूछो पूछो। ये क्या कड़िया भी हो तुम? वो जी पार्ट टाइम करता हूँ ना जी, आज बना रहा हूँ ना दवा खाना। ऐसा है, पूछना ये है कि आप बगैर फीस लिए वहाँ से भाग क्यों लिए? प्लीज सच सच बताइए प्लीज। वो बताया तो था, अब वो साबित भी करूं क्या? डॉक्टर सच बोलिए। डॉक्टर ये क्या है? वो चाबी है जी। ये मेरी टैक्सी की चाबी है, और ये चाबी जब मैं उसके इग्निशन में घुसेड़ता हूँ ना तो, और घुमाता हूँ तो 1000 किलो की गाड़ी जो है वो धड़धड़ा के स्टार्ट हो जाती है। अब ये चाबी जब मैं तुम्हारे घुसेड़ूंगा ना तो तुम कितना धड़धड़ाओगे? कितना बज रहे तुम्हारा? अरे मुंह क्यों खोल रहे हो, मुंह की बात नहीं कर रहे ला हूं। ओ नहीं नहीं, बताता हूं। दरअसल बात ये है ना जी, वो बुड्ढा अपने घर से ला पता है। ये देखो पेपर में आया है, देखो। उसे घर पहुंचाने वाले को अच्छा खासा इनाम मिलेगा। फोन मारो इस नंबर, फोन मारो। हाँ, लेकिन इनाम में 50% हमारा रहेगा। तुम्हारा 50% रहेगा तो हमारा तो 100% होना चाहिए। बुड्ढा हमारी टैक्सी से टकराया था। तो 45% कर दे। देखो डॉक्टर, तुम हमें जानते नहीं हो, बहुत नंबरकारी आदमी हूँ। 3-8-9 में बैठना उठना है मेरा।
389 का मतलब? खराब। 389 मुंबई पिन कोड नंबर, भाईखला, नागपाड़ा, भिंडी बाजार और डोंगरी, माहिम दरगाह गली, बांद्रा, बहराम पाड़ा, सांता क्रूज खार, गोली बार। तो 40% तो देगा ना? अंधेरी डोंगर मार्केट, जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट, बहराम बाग से लेकर अमृत नगर। कमाल है भाई, दवा खाना बहुत खर्चा हो गया है, नया बनाया है, 35% तो कर दे। मलाड, मालवानी, मीरा रोड, नया नगर, और 30% पिन कोड बंद कर फारूक, कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए, पहले बुढ़ा अब ये। चल ओके, 25% ओके, चल फोन मार, फोन मार, फोन मार, फोन मार। अच्छा चलो मोबाइल निकालो। थर्टी परसेंट याद रहता है, 50% याद रहता है, 40% फोन कहाँ से लगाना है वो याद नहीं रहता तुम्हें, इससे लगाओ। लग गया, लग गया। मुझे दे, बात कर ले। हाँ हेलो। हेलो, मैं फारूक बोल रहा हूँ, और अभी जिस बुड्ढे का जो है फोटो जिस पेपर में छपेला है वो बुड्ढा हमें मिल गया है। क्या? पापा मली गया? खुदा है, थैंक यू गॉड। हाँ मिस्टर फारूक, देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, वो जो अंकल है ना वो मेरा पापा है, आप उसको संभाल के ना मेरे पास ले आओ। हाँ प्लीज। लाता हूँ सेठ, लाता हूँ, पहले मंटाल की बात तो कर ले। मन क्या? What? अरे माल, पैसा, इनाम कितना मिलेगा हमें? Lord, कितना मिलेगा? 1,00,000 आप भी देनी। ओके, हम हमको 1,00,000 दे सकता है। 1,00,000? कितना बोला? 1,00,000। हेलो, एक मिनट। हेलो, सू थे? अरे फोन काट दिया। पन पूछने का ना, काई को काटा घर है। ओल्ड मैन, डोंट यू माय ब्रेन्स। हाँ 1,00,000 यानी 25,000 तुम्हारे है? और 5,000 वो पीले कुर्ते अंदीप को दे दूंगा, और 15,000 वो ब्लू शर्ट विलियम को दे दूंगा। तो 15, 5, 20, 25, 45 यानी 55,000 मेरे। क्या है ना कि बुड्ढा ये उसी का है, उसी का है। हेलो हेलो मिस्टर फारूक। हेलो, क्या है ना कि हम आपको 5,00,000 दे सकता है। पानोटी, मुसीबत, कंफ्यूजन शुरू हो गया था। एक बाजू फारूक इनाम के पैसे का शेयरिंग कैलकुलेशन के वजह से फोन काटता गया, दूसरी बाजू नरीमान ये सोच के इनाम का पैसा बढ़ाता गया कि शायद फारूक को 1,00,000 रुपया कम लगता था। बस इसी चक्कर में मेरे ऊपर रखा रिवॉर्ड मनी गरीब टैक्सी वाला की उम्मीद से जास्ती हो गया, इसीलिए कहते हैं बम्पर ड्रॉप। हे यू, फारूक या जो भी नाम है तेरा, मेरा आखिरी ऑफर है 50,00,000 रुपये, 50,00,000। अगर ये ऑफर मंजूर है तो वापस से फोन करना, वरना भाड़ में जा। मेरा पप्पा को ले आने का और भी तरीका है मेरे पास। ओके बाय। क्यों यार, डील कैंसिल? वो अपने गले का वॉल्यूम तो बढ़ा। 50,00,000 दे रहा है। या अल्लाह, तूने भर दिया फारूक का गल्ला। चंदर क्या कर रहे हो? खुद अंदर जाओ और देख लो। चल तू भी चल। अरे मैं, अरे रुको, कहा क्या? अब मजाक मत कर, बहुत हो गया। अरे आजा। ये किससे बातें कर रही हो? चिपकली से। चिपकली? देख मैंने तेरे लिए सारे शास्त्र खंगाल डाले हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर तू मेरे दाएं बाजू पर गिरकर मुझे दौलतमंद बना गई थी, तुझे कभी कीड़े मकोड़े नहीं खाने पड़ेंगे। तुझे मैं लखनऊ का कबाब खिलाऊंगा, कबाब। और अगर तू मेरे माथे पर गिरकर ताज पहना देगी तो मैं तुझे कलकत्ते का रसगुल्ला खिलाऊंगा, रसगुल्ला। और अगर मुंह में गिर गयो तो मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। अरे नाराज क्यों हो गए मारे बाप? हमारी बात सुन। देख
इस कॉलोनी में तो अकेला लेडीज टेलर है, तू कपड़े सिएगा नहीं, लोग कपड़े पहनेंगे नहीं, लोग कपड़े पहनेंगे नहीं तो हमारा कपड़ा बिकेगा नहीं। अरे भाया, इसमें ना थारा भला है ना हमारा भला। सुन, तू ये शास्त्र वास्त्र को छोड़ और कपड़े सिल। तू एक बात बता एफटीबी, तेरे पास टीवी नहीं है, अब टीवी सोच ले उधर रखा हुआ है, और तेरे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है, और तू यहाँ बैठे बैठे टीवी ऑन करके दिखा। अरे पागल हो गए क्या, बिना रिमोट का बटन दबा टीवी ऑन कैसे होगा? अरे यही तो है किस्मत का बटन। अगर जिस दिन किस्मत का रिमोट बटन मिल गया ना, तो सीधे अमिताभ बच्चन, टाटा बिल्ला, अंबानी सब कुछ बन के दिखाऊंगा। और जो नहीं ढूंढ पाया वो तुम, ये और बाहर बैठा साला मोची, तीनों धरती के ऊपर बोझ और फटने के लिए मेरा सर। और गुरु तुम? अरे मैं तो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला हूँ। अरे मेरे चांदनी के चांद, अबे देश की इकोनॉमी को छोड़ भाया, अपने और हमारे पेट की इकोनॉमी के बारे में सोच। अबे कपड़े नहीं सिएगा तो कैसे काम चलेगा? शास्त्रों के चक्कर को छोड़ और कर्म में विश्वास कर। अजगर करे नचा करी, गुरु आगे। पंछी करे नका, गुरु आगे। दास मलूका कहे गए, गुरु आगे। सबके दाता राम, समझे बेवकूफ, शर्म आ रही तेरे को? कुत्ते की दुम 12 साल नली में रखो, फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी ये है वो। अच्छा तुझे यार ये कहावत पता चली, नहीं तो नलकी में दुम डालने की गलती तू कभी नहीं करता। देखा, फिर भूल गयो अपनी औकात। अगरम बगरम बम बम बम। कौन गाली दे रहा है यार? गाली नहीं, मैं तेरी किस्मत का ताला खोलने आया। कहाँ है किस्मत? वो तो मेरी दिव्य दृष्टि से दिखाई देगी। अरे महाराज, आपकी दिव्य दृष्टि तो बहुत कमजोर लग रही है। मुझे तो तेरे नक्षत्र कमजोर लग रहे हैं। शनि सर पे मंडरा रहा है, राहु केतु कुंडली मार के बैठे हैं, तेरे जीवन पे तो ग्रहण लग चुका है। 12 साल बहुत तकलीफ में बीतेंगे। और बाद में तुझे आदत पड़ जाएगी। अगर कैसे? तकलीफ नहीं होगी तो तकलीफ होगी। महाराज ये सब आपको कैसे पता? ले बेटा ये देख ले। ये क्या है? हाँ देखना है। सचिन तेंदुलकर। हाँ, बाजू में मैं। अमिताभ बच्चन। बाजू में मैं हूँ। बिल गेट्स। बाजू में मैं। इंदिरा गांधी। बाजू में मैं। महात्मा गांधी। बाजू में मैं। महाराज। हाँ जी। कैंची उठा के और मशीन चला चला के मैं उकता चुका हूँ। आप कोई आसान तरीका बताइए जिससे मैं माला माल बन जाऊँ। ला बेटे, तेरी हस्त की रेखाएं मैं देखता हूँ। तेरी भाग्य की रेखा तो सीधी है जी, लेकिन कर्म की रेखा टेढ़ी है। महाराज पाइप में डाल के है थोड़ा, वो थोड़ा मार के सीधी नहीं की जा सकती तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा। तू माला माल बन सकता है जी, लेकिन एक समस्या है। समस्या? बालक तेरी कुंडली में मंगली दोष है, 45 साल के बाद शादी करेगा तो ये सब दोष निकल जाएंगे। महाराज मंगली दोष तो खत्म हो जाएंगे, पर तब तक दूसरे दोष शुरू हो जाएंगे, उनका क्या? ऐसे सब कामों के लिए तो ज्योतिषियों का जन्म होता है बेटे। सिर्फ 500 रुपया दे दे और बाद में देख सब मंगल मंगल मंगल। 500? इससे काम चला लीजिए। ये तो ही रख ले, 12 साल तकलीफ भुगतेगा। महाराज तब तकलीफ मत दो, ये आप इसमें आप कर लीजिए, रख ले 6 साल तक। नहीं नहीं महाराज, बैठिए बैठिए बैठिए। महाराज कोई दूसरा उपाय? कुछ नहीं, 500 रुपया। क्या देख रहे हो? नोट का भविष्य देखना पड़ता है, अभी अभी इलेक्शन जो हुए हैं। बालक तू शादी कर ले। हा? शादी करने से तेरी किस्मत चमकेगी। अच्छा? हाँ, तू राजा बनेगा। राजा? महाराजा बनेगा। चंद्रसेन बता रहे हैं। कैसी हो? कैसी हो? जिसकी दाई जांग पर तिल हो, ऐसी लड़की तू ढूंढ और मार खा। नहीं नहीं, माल खा माल। अब पर महाराज, मेरी कॉलोनी में तो बहुत सी लड़कियां हैं, तो उनमें तिल वाली लड़की को कैसे ढूंढूं? बहुत सरल है बालक, दुनिया में 5 जाति की लड़कियां होती हैं, हस्तिनी, शंखिनी, चित्तिनी, मोहिनी और पद्मिनी।
ये लड़कियों की जाति क्या होती है महाराज? बताता हूँ बालक, बताता हूँ। इतने उतावले मत हो। हाँ। ये बिपाशा मल्लिका और सलीना को देखकर क्या लगता है? इन्हें देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है महाराज। अब ये बता, माधुरी, जूही और ऐश्वर्या को देखकर क्या लगता है? इन्हें देखकर तो शादी करने का मन करता है महाराज। यही तो पद्मिनी जाति की लड़कियां है। पर बाकी की जाति क्या होती है महाराज? तुझे क्या करना है बालक, ऐसी लड़की तू ढूंढ और उसके साथ तू शादी कर। हाँ। पर शर्त यह है कि उसकी दाई जांग पर तिल होना चाहिए। तिल। धन्यवाद महाराज। आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज। आशीर्वाद। महाराज आप भगवान हो। धन्यवाद महाराज। आशीर्वाद। भविष्य देखकर मुद्रा कमाए, चलो किसी और का कल्याण करे। लाबू कितनी प्यासी लग रही है आज तू, फिकर मत कर तुझे प्यासा नहीं रखेंगे। अरे मेरी कजरी तू मुंह लटकाए क्यों बैठी है? ये तेरा बबलू है ना, बुझाए प्यास बाकी सब बकवास। Welcome to the proud family of the Mirage Group of Hotels, Mr. Benny. This is your appointment letter. We are delighted to have you as the bellboy. नौकरी वो भी फाइव स्टार होटल में, क्या बात है। अरे वो दालमे अंकल था, अरे ईरानी होटल बताता ना दालमे अंकल, उसको रोज में मस्का पॉलिश किया, थोड़ा नौकरी का गुजारिश किया, उसने आके सिफारिश किया, और ये बेनी को तो अंग्रेजी तो आता ही है, तो थोड़ा आता ना, थोड़ा आता छोटा मोटा। हाउ आर यू ऑन ऑनलाइन? मामला मिटो के रे टोक्यो। अरे तू कह रहा ना नौकरी ढूंढने, क्या हुआ उसका बता? ए पता रे, नौकरी तो मुझे भी मिल गई है। गुंगरू, लेडीज बार, आज से यहाँ तेरी वेटर की नौकरी पक्की। जी जी जी। चल जा, कल से टाइम पर आ जा। हम समय से आधा घंटा पहले आ जाएंगे सर। क्यों, आधा घंटा पहले हमारी बार की शमियों पे लाइन मारेगा क्या? नहीं, 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 सर। बबलू, अगर तूने यहाँ किसी आइटम के साथ अपना पपलू फिट किया ना, तो पहले मैं तेरी टांग काटूंगा, फिर तेरी जांग, और फिर तेरी क्या? हाँ, वो भी। अरे वो क्या नहीं रे, तू लेडीज बार में काम करेगा, वेरी इंडिसेंट प्लेस यार। अरे हमें कहाँ मिलेगा काम, और मैं तो तेरी तरह टूटी फूटी अंग्रेजी भी नहीं बोल पाता हूँ। अरे वो तेरा वो फैमिली है ना उधर, हाँ, दरभंगा, दरभंगा में, तेरे जिला में, वो फैमिली को मालूम पड़ा तू लेडीज बार में काम करता है, वो शर्म के मारे मर जाएगा रे। अरे लेकिन कोई काम नहीं किया तो वो लोग भूख से मर जाएंगे, बात करते हो। यू माइंड इट, आई एम टेलिंग यू। अरे तुम मां बाप को भूखा मार दे। ये फिटिंग वीटिंग क्या कर रहा है? ये थोड़ा लंबा नहीं है साहब? प्रकाश भी लंबा था। कौन प्रकाश? जिसका ये कोट है। तो हम प्रकाश का कोट पहनेंगे तो प्रकाश क्या पहनेगा? कफन। क्या? मर गया, भेजे में ट्यूमर था उसके। सुन, कहीं तेरे भेजे में भी कोई? नहीं नहीं नहीं, तेरा तो भेजा ही नहीं है। ये ले पेन और ऑर्डर स्लिप, और फटाफट काम पे लग जा, ये फिटिंग वीटिंग होती रहेगी। मरे हुए आदमी का कोट। देखो बहन जी, शांति रखो। क्या बोला तू? बहन जी, क्यों, क्या हुआ? भोले बबलू, ये कुत्ती, कमीनी, हलकट, यहाँ की आम भाषा है। बहन जी मत बोल, गाली लगती है। कुत्ती, कमीनी, हलकट, शांति रखो। हेलो गुरु, हमेशा की तरह ना किसी ने अपनी बस को ठोक दिया और पब्लिक पागल हो रही है। कहाँ से बोल रहे तुम? मैं पीसीओ के पिंजरे में। सुंदर कहाँ है? हवा में। क्या हुआ?
अरे सबकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा मुझे अगर मारोगे तो? पागल हो गए क्या? अब बचाए क्या? अरे बहुत कुछ बचाए, जितना कुछ बचाए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अरे लड़की कब की एडमिट हो गई? लेट लतीफ लड़की एडमिट होगी कौन से हॉस्पिटल में? सरदार हॉस्पिटल में। सरदार हॉस्पिटल में तो उसकी सुरक्षा तो मैं ही करूंगा ना। देखा देखा देखा, मैं ही करूंगा ना सुरक्षा। देखा तेरा क्या बिगड़ा? इसी डरावने मुकाम की बात कर रहा था। अबे कौवे तू अगर डाल पे बैठता नहीं तो डाल के टूटने की भारी नीति। छवि पकड़ मुझे, सुरक्षा करनी मुझे, सुरक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, सुरक्षा मैं करूंगा। आजा सुरक्षा। ए तुम ही उन्हीं के साथ? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों मार रहे हैं आपको? मेरी बात तो सुनिए। ये पूरी दुकान खरीदने क्या जरूरत? समझता नहीं है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। इंश्योरेंस के पेपर कहाँ है बस के? नहीं है। क्यों? बीमा भराएगी? नहीं नहीं। क्यों? हो गई छुट्टी। सारी चाबियां उस लड़की के हाथ में है, वो हमें बचा भी सकती है, वो हमें बेच भी सकती है। खिलाने पिलाने से भी कुछ नहीं होगा? और भी खाएगी? खाएगी ही तो कितना खाएगी ये भैंस? लाख दो लाख कम से कम। तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कंसेशन वाले ने यहाँ पर एडमिशन क्यों ली? अपनी एक्सीडेंट वाली कहाँ है? नैंजी सिस्टर। Yes? बस एक्सीडेंट हुआ था, वो पेशेंट का है। वो रही ये? वही है। पैर फ्रैक्चर्ड है, स्कैनिंग करना पड़ेगा, ऑपरेशन भी हो शायद। हे भगवान। आप उनके पति हैं? नहीं, उनके पड़ोसी हैं, कभी कभी उनकी देखभाल करते हैं, आज देखभाल करने आए हैं। ओके। मैं नहीं खेलूंगा। आप जाइए यहाँ से। आ जाओ। ये हमारी किस्मत क्या काई के ऊपर लिखी हुई है? जब कदम रखते हैं फिसल जाते हैं। अब पाला ही पढ़ना था तो ये इस लेडी क्रिकेट से पढ़ना था। मुझे तो पब्लिक मैड लगती है। लाल बत्ती गाड़ी चमकेगी, पुलिस आएगी। अभी ये तो नई लाल बत्ती मेरे कान में मत डाल। तू ये बता करे क्या? लड़की ने सच बोला, मधुमक्खी ने छत्ता खोला। तू पुलिस के सामने इससे ये उगलवा ले कि इसकी ही गलती है। रोड क्रॉस करते वक्त चक्कर आ गया, आंख लग गई, नींद में चलने की बीमारी है, कुछ भी कुछ नहीं पड़। तू बजरंग बाण चला और ये बता मैं करूं क्या? मेरी जान खतरा है, मुझे पहले हवा में उछाला, अब पाताल में गाड़ देगी ये पब्लिक। मैं माफी चाहता हूँ, मैं पुटास गोली खाता हूँ। तेरे को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों, मेरी क्या शादी हो रही है? जहाँ फिट करना हो वहाँ फिट कर दे, मैं चल। फिट करवाना, फिट कर दे। लड़की है किसको? रोको 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 रोको। गाड़ी के लाइसेंस और पेपर दिखाओ। पेपर और लाइसेंस तो ठीक है, पर चलान कटेगा। क्यों? बेल्ट नहीं पहनी है इसलिए। मेरी पैंट इतनी भी ढीली नहीं है कि मुझे बेल्ट लगानी पड़े। जोक। डॉन को सब कानून पता है और डॉन हमेशा कानून हाथ में लेता है, तोड़ता नहीं है। और कानून यह है कि गाड़ी के अंदर बैठकर सीट बेल्ट लगाने का है, बाहर बैठकर नहीं। बात तो सही है। जा कर रहे हो? बैंक लूटने। बैंक लूटने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे समझ जाओगी मैम, डॉन को समझना इजी से भी आसान है। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। कभी कभी ऊपर जाने के लिए नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि भाई सेल्फी डॉन है। लारे आ जाओ रे सब लोग। हाँ भाई। ये फर्स्ट फ्लोर वाले पीछे जाओ, ग्राउंड फ्लोर वाले आगे आओ। ये मुस्कुराओ ऐसे। हाँ कौन बोल रहा है? भाई बोल रहा हूँ। सेल्फी भाई। सेल्फी भाई। अच्छा सुन, तुझे अभी एक सेल्फी खिंचवा के भेजी है। अच्छा। बैंक लूटने जा रहा हूँ, KPS बैंक। और तू ये पेशाब करना बंद कर, और तुझ में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखा। हा? अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं पेशाब कर रहा हूँ? सेल्फी भाई का नाम सुनते ही लोगों का पेशाब छूट जाता है। ये लो। नहीं सर, अपनी जेब में रखिए। अरे मिश्रा जी जल्दी निकलिए। अरे चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। अरे मिश्रा जी ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही?
सर मिश्रा जी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। सॉरी सर। सर डीजल भी नहीं डलवाया। डबल सॉरी सर। सर सरकारी पैसे पे ऐश। ट्रिपल सॉरी सर। शिट, इन्हीं बेवकूफियों के कारण वो हमेशा मेरे हाथ से निकल जाता है। अरे भाई उसे पकड़ेंगे कैसे? अरे सर इतने इमोशनल काहे हो रहे हैं, हमारे पास एक आइडिया है ना। क्या? कान लाइए। अंदर गन लाना मना है, अंदर गन लाना मना है। अरे मैडम अभी मेरा नंबर चाहिए, मेरे नंबर पे आके बैठ। जो जहां है अपने स्थान पे लेट जाओ, कोई भी अपनी जगह से बिल्कुल शोर मत करना। ए टप टप। ये कानपुर की स्टेशन लगाओ पहले सीधा, और सुनो ठप ठप। यहाँ पे लेटने आए थे, बैंक लूटने आए थे, किसने बोला कि तुम यहाँ लेट जाओ? भाई आपने तो कहा था लेट जाओ तो लेट गए। मैंने ये थोड़ी बोला था कि ब्राउन टी शर्ट वाले भी लेट जाओ। अब आपको क्या हुआ मैडम? आपने ही तो बोला कि ब्राउन टी शर्ट वालों को नहीं लेटना है। मेरा मतलब कान खोल कर सुन लो सब लोग, जिन लोगों को बैंक लूटना है उन्हें खड़े होना है। आपकी तारीफ? मैं बैंक मैनेजर हूँ, रोज मैं कितने सारे लोगों के बैगों में नोट भरता हूँ सर, लेकिन मेरा अपना बटुआ हमेशा खाली रहता है। सर प्लीज मुझे बैंक लूटने दो ना। तुम बैंक लूटोगे तो मैं क्या करूंगा? बैंक में बैठू मैनेजर बन के? एक काम करो जी, सीधा इनको लेकर जाओ। हाँ जी। जितना बैंक में रोकड़ा है बैग में भरवाओ। हाँ जी। उसके बाद मुझसे मिलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ गैंग में। ठीक है जी। जाओ जाओ जाओ। बच्चू सच्चू सब जाओ जाओ जाओ। यहाँ बैंक में लेटने आए थे कि बैंक लूटने आए थे तुम? भाई उनके पास गए थे, उन्होंने कहा बैंक लूटने के लिए टोकन लेना पड़ेगा। टोकन? हाँ भाई, हाँ भाई। और वो बोली कि बैंक लूटने का कोई टोकन नहीं होता। लेवल में आ, यहाँ बैंक में, यहाँ लाइन में खड़े खड़े क्या कर रहे थे तुम? भाई वो मुझसे बोला कि बैंक में मेरे 7,000 रुपए जमा है, पहले ये निकाल लेते। तुम इधर आओ, लेवल में आओ। ये वहां पे खड़े खड़े तुम लोग क्या मीटिंग कर रहे थे, गुफ्तगु क्या कर रहे थे? भाई वो बैंक वाला बोला कि हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, आप बहुत खतरनाक काम करते हो, हम आपके लिए इंश्योरेंस कर देते हैं। हाँ भाई बहुत अच्छी स्कीम है उसके पास। हेलो पुलिस स्टेशन जी, हमारे बैंक पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया है, आप जल्दी से। पुलिस का प्राइवेट नंबर दो तुम्हें? सॉरी सॉरी। सुनो पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस अभी आती होगी। और सुनो पब्लिक लोग, हमारे यहां से निकलने के बाद तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना, वरना एक साथ निकलोगे धक्का मुक्की हो सकती है, गिर सकते हो, लड़खड़ा सकते हो। तुम्हें ठोकू दूंगा, जगह देख के नहीं लेट सकते। एक काम करो जी, ये जो माल है ना इसे वापस पहुंचा। वापस कराए मगर क्यों? अरे जब वापस ही रखना था तो लूटा ही क्यों? सुनो सेल्फी भाई से बहस नहीं, जो ऑर्डर किया है वो फॉलो करो, रूल इज रूल।
दिमाग खराब है साले का। आता है पैसे को जेब की गर्मी भी नसीब नहीं हुई। डन 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 डन। अबे छोटू साला पगला है तबे। हाँ। भाई की हाइट भी कम, माइंड भी कम। हाफ हाइट, हाफ माइंड। चल 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 चल।